हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शैम्पू में कुछ ऐसी चीज़ को मिलाकर लगाने से चेहरे का जो कालापन है, सांवलापन है, आपके चेहरे पर गालों पर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ हैं, काले वाले निशान पड़ चुके हैं, पिंपल्स के बहुत सारे दाग हैं या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स भी निकलते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट चीज़ जो हमें लेनी है वो है कर्ड यानी कि दही। दही आप ले लीजिए एक चम्मच भर करके, मैं एक फेस के हिसाब से बता रही हूँ। तो दही जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी स्किन से झाइयों को, बढ़ती उम्र के निशानों को और दागों को ख़त्म करता है। उसके बाद में हमें 2 से 3 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर हमारी स्किन को जो है दाग धब्बों से, दानों से, पिंपल्स से बचाता है, चेहरे पर पिंपल्स ना निकलने की प्रॉब्लम को करता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें लेना है लेमन जूस। तो आधे नींबू का रस आप इसमें डाल लीजिए। नींबू का रस क्या करता है, हमारी स्किन को निखारने का सबसे बेस्ट तरीका है नींबू का रस। नींबू का रस हमारे स्किन को काफ़ी तेज़ी से ब्लीच करता है, लाइटन वाइटन बनाता है। उसके बाद में लास्ट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शैम्पू में हमें कुछ चीज़ों को मिलाना है, तो हमने एक क्लिनिक प्लस शैम्पू का पाउच लेना है। 1 रुपये में बड़ी आसानी से आपको किसी भी किराने स्टोर पर मिल जाएगा। कम पैसों में बहुत ही आप अपने चेहरे को गोरा, सुंदर, बेदाग बना सकते हैं। तो एक शैम्पू का सारा शैम्पू निकाल लेंगे हम। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स करके फेस पैक रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये घरेलू रेमेडीज़ जो होती हैं हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं देती हैं। हम बिना डरे बेझिझक होकर अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका रिज़ल्ट पाने के लिए आपको करना ये होगा कि इस फेस पैक को अपने फेस पर लगा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको हाथ पर लगा कर बता रही हूँ। तो अपने हाँ फेस पर आप इसको लगा लीजिए। आप चाहे तो अपने हाथों पैरों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें हमारी स्किन को निखारने का काम करेंगी, हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को निकालेंगी। इसको 15 से 20 मिनट लगाए रखें। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको बिना किसी साबुन के, बिना फेस वॉश के इसको धो लीजिए और देखिए।